हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं मेरे किचन में बनाने जा रही हूँ शीर कोरमा। ये बॉम्बे की बहुत ही फेमस डिश है। मोस्टली वहाँ पर ईद में या कोई भी फेस्टिवल में ये नहीं बनाते हैं, और यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होती खाने में। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इससे पहले बॉयल होने देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो के बीच में रखा हुआ है। इसे हमें ऐसे ही पकाना है तकरीबन आधे घंटे तक, उसके बाद देखते हैं। तो मैं आपसे मिलती हूँ आधे घंटे के बाद। ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास बादाम है, जिन्हें मैंने रात भर भिगोकर इनका छिलका उतार लिया है, और इन्हें मैं कट कर लूंगी। देखिए, आधा घंटा हो चुका है दूध को पकते हुए, और मैंने बीच बीच में चम्मच इस तरह से इसमें जो साइड से दूध लग रहा था वो मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ नहीं करूँगी। ये देखिए, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम, इन्हें मैंने कट कर लिया है। अब इन्हें दूध में डालकर 10 मिनट तक और पकाना है, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से पक जाए। देखिए, 10 मिनट हो चुका है ड्राई फ्रूट्स डालकर दूध को पकते हुए। देखिए, यहाँ पर मैंने लाल वाली सिवई ली है एक बाउल में। देखिए, सिवई है। अगर आपके पास ये सिवई नहीं है, अगर पैकेट वाली व्हाइट वाली सिवई है, तो उसे आप पहले घी में भूंज लीजिए। भूनने के बाद आप उसे दूध में डालिए। ये सिवई मैं दूध में डाल देती हूँ। देखिए, सिवई सारी चली गई है दूध में, अच्छे से मिला देंगे। देखिए, दूध ऑलरेडी हमारा काफी पका हुआ है, इसलिए हमें सिवई डालकर बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस 2-3 बॉयल आने दीजिए। मिक्स हो गई है, फ्लेम को हाई कर देंगे। ये देखिए, पकना शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा नहीं, आपको 1 से 1.5 मिनट तक इसे ऐसे पकाना है, फिर फ्लेम को ऑफ करना है। मैं आपको दिखाती हूँ 1-1.5 मिनट के बाद। अच्छा, सिवई के साथ में ही देखिए, मैंने एक कटोरी शक्कर ली है, ये पूरी फुल कटोरी नहीं है। मीठा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप चेक करके देख सकते हैं। इसे हाई मीडियम फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है। देखिए, मैंने इसे 1 मिनट खोलाया, उसके बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। और यहाँ देखिए, मैंने 2 चम्मच देसी घी गरम किया है। एक चीज याद रखिए, आप इसमें देसी घी का ही यूज करिए, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये देखिए, 2 हरी इलायची है, जिनके मैंने बीजे निकाल के इनका पाउडर बना लिया है। घी को गरम होने देंगे। देखिए, घी हो गया है, यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और ये जो मैंने हरी इलायची का पाउडर बनाया था ये इसमें डाल देंगे। बहुत ज्यादा देर नहीं रखना है घी में। अब ये घी इसमें डाल देंगे। एक तरह से तड़का दिया है सिवई में, बट इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए, यहाँ पर आप शक्कर देख सकते हैं, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप इसमें शक्कर और ऐड कर सकते हैं। मैंने जितनी डाली वो बिल्कुल परफेक्ट है, बट अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप ऐड कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए, मैंने शीर कोरमा को डिश आउट कर दिया है, और जो घी की मैंने ऊपर से घी डाला, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसमें खोया डालना चाहें तो डालिए, आप ना डालना चाहें ना डालिए। मेरे पास है तो मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये दूध काफ़ी देर पकता है तो काफ़ी एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है इसमें। और इसे देखिए, लिक्विड ही रखनी है। ये देखिए, ये लिक्विड फॉर्म में ही रहती है इस तरह से। चलिए, इसमें थोड़ा सा खोया ऐड कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा, तकरीबन 2 चम्मच इसमें, देखिए ये 2 चम्मच खोया चला गया है। देखिए, मैंने गार्निश के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता है, चिरौंजी है, वो लिए थे। चलिए, वो डाल देते हैं।
ये देखिए ये भी चला गया। फ्रेंड्स हमारा शीर कोरमा बिल्कुल रेडी है, आप जरूर बनाइए, ईद में जरूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।